देखिए, सबसे पहले नमस्कार। ज्वाइनिंग अगर मैं बात करूं, बसपा से भले ही चुनाव लड़ा है और सभी साथियों ने, जनता ने खूब प्यार दिया है, कई बार समीकरण होते हैं हार जीत के, लेकिन मैंने जब इसका मंथन किया, क्योंकि जब आप राजनीति में आते हैं, जब तक आप सत्ता में ना हो या आपकी एक यूनिटी ना हो, एक सिस्टम के साथ ना जुड़े, जो ऑर्गेनाइज्ड पार्टियां हैं उनके साथ अगर आप तालमेल ना बैठाएं, तो ना तो आप समाज की सेवा कर पाते और ना जो आप अचीवमेंट लेना चाहते हैं ना वो कर पाते। तो मैं बड़ा इसमें क्रिस्टल क्लियर हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बहुत लंबा इतिहास रहा है। चौधरी देवीलाल जी के समय से, चाहे वो संयुक्त पंजाब में हरियाणा के गठन की बात हो, उन्होंने आंदोलन करके हरियाणा को एक जो हिंदी भाषी राज्य बनाया, हरियाणा, तो उसके गठन से लेकर आज तक का इतिहास रहा है कि चौधरी देवीलाल ने सर्व समाज को साथ लेकर नीतियां बनाई हैं। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत हो, चाहे वो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए 1-1 रुपया हर रोज देने की योजना हो, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए जो शगुन योजना हो, इसके अलावा अनुसूचित व पिछड़ी जातियों के लिए अलग से चौपाल की व्यवस्था हो, क्योंकि उनका नारा था कि लोक राज जो है लोक लाज से चलता है। आज अगर आप देखो, कोई भी पार्टी लगा लो, लोक लाज की बात ही नहीं है, कुछ भी कर देते हैं, चाहे वो असामाजिक बात हो, किसी भी गलत बात का भी समर्थन कर देते हैं। इसी कड़ी में आगे अगर मैं बात करूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की हरियाणा में 4 से 5 बार जो है सरकार रही है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, उनकी जो नीतियां थी, उन्होंने भी आगे चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाया। उनकी नीतियां इतनी जबरदस्त थी, सरकार आपके द्वारा एक कार्यक्रम था उनका, उसमें वो पंचायतों में जाकर, ग्राम पंचायतों में जाकर जनता से पूछते थे कि बताइए आपको किस चीज की जरूरत है, और वो काम होते थे। हरियाणा की सरकार से जब वो गए, दूसरी सरकारें आई, उस समय हरियाणा पे नाम मात्र का कर्जा था, न के बराबर। लेकिन आज अगर हरियाणा में हम कर्ज की बात करें, 3 लाख करोड़ का कर्ज है। मैं तो हैरान हो जाता हूं कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, लगभग 10 साल बीजेपी की सरकार रही, ये किस तरह का विकास है, ये किस तरह की नीतियां हैं जिसमें कर्जा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, विकास कहीं दिख नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जो किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का, पूरे कमेरे वर्ग का जो है भला कर सकती है, ये सर्व समाज को साथ लेकर चलती है, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है। शिक्षार्थी हैं या कार्यकर्ता में जुड़े हैं पार्टी से? देखिए, मैं एक सिंपल कार्यकर्ता के रूप में मैंने ज्वाइन किया है, वो पार्टी का निर्णय होगा, कल को कहीं भी वो ड्यूटी लगाएंगी, अगर वो पार्टी समझेगी कि ये चुनाव लड़वाएगी तो मैं तैयार हूं, अदरवाइज पार्टी जहां भी ड्यूटी लगाएगी तो मैं बिल्कुल जो है तन मन धन से ईमानदारी से कार्य करूंगा। पिछले 3 दिनों से अभय चौटाला जी के साथ कैसी पर्सनैलिटी लगती है, कैसी शख्सियत लगती है आपको? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी का तो मैं क्या कहूं, उनका कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब है। आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा की बात करें या किसी भी क्षेत्र में, वो खेल रतन, किसान रतन, कितने सारे जो है वो मतलब तमगे उनको जनता ने दे रखे हैं। एक खानदानी जो है राजनीतिक परिवार से हैं, हरियाणा के सबसे बड़े किसान हैं, पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, एक्सपीरियंस है उनके साथ। देखो, एक धोखा हुआ है, अब मैं उस बारे में ज्यादा बात नहीं कहूंगा, जनता सब जानती है। उन्होंने परिवार को भी संभाला, उन्होंने पार्टी को भी संभाला, उनके साथ जो धोखा हुआ पुलिस है, इस हत्यारे तो पिता वो को रिमांड अपनी पर ले पूछताछ रियल करने में छवि को, जुटी क्योंकि है। उनकी छवि को भी गोहरगांव का जो है रहने थोड़ा वाला सा छह धूमिल साल किया का गया है। मासूम दीपांशु जहां तक मैं 6 उनके अगस्त साथ को रहा हूं, मुझे लापता नहीं हुआ था लगता और कि जिसकी उनमें किसी तरह गुमशुदगी की की ऐसी बात रिपोर्ट है, बहुत ही पिता सुनील मिलनसार थाने में दर्ज कराई हंसमुख थी। हैं तलाश में और पता चला कि हर दीपांशु की विषय पे उनकी चप्पल पकड़ है। JLN केनाल की ऐसा पटरी पर व्यक्ति मिली है, जिसके अगर बाद हरियाणा दीपांशु का को तलाशने नेतृत्व के लिए करे, NDRF की हरियाणा टीम के लहर में मुख्यमंत्री उतरी हो, और 7 तो अगस्त को असल में जो है दीपांशु का हरियाणा शव खूब झज्जर तरक्की जिले में करेगा, बेरी के पास क्राइम मिला। और इस भ्रष्टाचार मामले खत्म। में
खत्म होगा, सर्व समाज का भला होगा, उनसे बेहतर व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि इस समय हरियाणा में बेटे दीपांशु को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाता हुआ दिखाई दिया। देखिए मेरा मिशन तो ये है, जो हमारा दीपांशु उसके हमारे जो फंडामेंटल राइट, पुलिस ने जब पूछताछ के लिए पिता सुनील को हिरासत में लिया तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। इन सब की व्यवस्था अपने उस मासूम 6 साल के बेटे दीपांशु की हत्या कर दी थी, का हो किसी भी धर्म बहुत ज्यादा कोई भी जो भारत का नागरिक है। फिलहाल सुनील पुलिस हिरासत में बिना किसी कंडीशन के ये सारी सुविधाएं अभी पुलिस पूछताछ करने में चुकी है। ये व्यवस्था पुलिस का कहना है कि दोनों पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते सुनील ने ही अपने मासूम बेटे की नियत का हत्या कर दी। मुझे लगता है कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का पूरा नेतृत्व है उनकी इस घटना की असली कहानी जानकर सभी हैरान है। आपने देखा होगा हमारा एक किस्म से सुनील और कविता की शादी की जो एक झलक है, दीपांशु और मयंक वो आजकल जो है हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा में चली हुई, उसमें विवाद रहता था जनता को पिता सुनील दीपांशु से ज्यादा प्यार करता है, कभी कभार गुस्से में सुनील ने पत्नी को यह भी कहा था कि अगर ऐसी बात है तो वह इस जड़ परिवारों में से एक एक व्यक्ति को पत्नी कविता सरकारी या प्राइवेट रोजगार देगी। अब पत्नी कविता पति की इस घिनौनी हरकत पर बेरोजगार युवा रोजगार प्राप्त ना करें तब तक 21,000 रुपए उनको सपने में हर महीने जो है बेरोजगारी इस तरह का काम करते हैं। इसके अलावा चाहे वो बिजली के बिल की समस्या है, सड़कों की है और बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सब का जो है प्रायोरिटी से जो है हम उन चीजों को पब्लिक को प्रोवाइड करवाएंगे।